everyone. Hello, Standard 2. In this session, we will learn about the chapter number 8 of the grammar, and the chapter is adjectives. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स का मतलब होता है विशेषण. विशेषण चैप्टर का नाम हिंदी में होगा विशेषण. विशेषण यानी कि कोई नाम की विशेषता, कोई जगह की विशेषता. हमारा चैप्टर भी उन्हीं के बारे में है. द वर्ड्स डेट आर यूज टू डिस्क्राइब नाउन और पजेशंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. क्या कहा कि जो शब्द, द वर्ड्स डेट आर यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. यानी कि देखो, इस पिक्चर को पहले आप देखो. सोनू इज अ फैट बॉय. सोनू इज अ फैट बॉय. जिराफ हैज लॉन्ग नेक. रेट इज अ टाइनी एनिमल. तो देखो, यहाँ सोनू है वो एक लड़का है, लेकिन देखा फैट है वो कलर्ड वर्ड है. तो फैट है वो क्या है? एडजेक्टिव्स है, यानी कि विशेषण है. ये सोनू की विशेषता दिखाता है कि सोनू लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है? तो कहा है फैट लड़का है, यानी कि फैट है वो एडजेक्टिव्स है. जिराफ हैज लॉन्ग नेक. जिराफ के पास नेक तो है, हमारे पास है, लेकिन जिराफ जैसी लॉन्ग नहीं होती, लेकिन ये जिराफ की विशेषता है, यानी कि ये लॉन्ग है, इसमें वो है एडजेक्टिव्स. अब देखो, रेट इज अ टाइनी एनिमल. चूहा है तो चूहा है वो कैसा प्राणी है? टाइनी है, यानी कि छोटा है, इसलिए रेट इज टाइनी एनिमल. तो देखो, टाइनी है वो उसकी हुई विशेषता. यदि मैं आपकी जगह कह दूँ कि ध्रुव इज अ क्लेवर बॉय. ध्रुव है वो बहुत ही होशियार लड़का है. जो उसमें जो क्लेवर है, जो होशियार है, वो है एडजेक्टिव्स. तो सिंपल मैटर. वी सी द वर्ड फैट लॉन्ग एंड टाइनी डिस्क्राइब समथिंग अबाउट द नाउंस. दीज वर्ड्स एड टू द मीनिंग ऑफ द नाउंस. दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स. ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता दिया कि सोनू की विशेषता बताई ना. सोनू एक नाउन यानी कि नाम है, और कौन सा नाउन है वो हमें पता है. सोनू प्रॉपर नाउन है. तो उसकी विशेषता बताई कि सोनू कैसा फैट लड़का है, ये लॉन्ग है और ये टाइनी है. तो ये सारे हुए विशेषण. इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव्स. द एडजेक्टिव टेल्स अस हाउ समथिंग बिहेव्स, लुक, साउंड, टेस्ट, फील्स और स्मेल. यानी कि विशेषण हमें ये बताएगा किसी भी चीज़ का वर्तन कैसा है, देख उसका लुक कैसा है, यानी कि उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, टेस्ट कैसा है. वो जैसे यहाँ बताया ना कि सोनू का लुक दिखाया फैट, जिराफ का दिखाया उसकी लॉन्ग नेक, उसी तरह. अ फ्यू न कॉमन एडजेक्टिव्स. देखो, ये जो सारे वर्ड्स है वो क्या है? कॉमन एडजेक्टिव्स है, यानी कि सामान्य विशेषण है. इसको हम कहेंगे कॉमन एडजेक्टिव्स. देखो, हॉट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, सोर, स्ट्रॉन्ग, बिग, अगली, स्मॉल, स्वीट, स्मार्ट, रिच, वीक, ओल्ड, न्यू, पुअर, फिर है बैड, टॉल और कॉल्ड. तो ये सारे हुए कॉमन एडजेक्टिव्स. जैसे यहाँ फैट, लॉन्ग, टाइनी है, यानी कि ये सारे ऐसे शब्द है जो सामान्य विशेषण है. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. अब हमें इसके एग्जाम्पल्स देखने हैं. क्या है? द गर्ल इज फुलिश, यानी कि कोई लड़की मूर्ख है. तो देखो, का क्या कहा? फुलिश गर्ल. फुलिश है उसमें क्या है? विशेषण है. लड़की कैसी है? मूर्ख है. द गर्ल्स आर नॉटी. द नॉटी गर्ल्स, यानी कि लड़कियाँ कैसी है? शरारती. नॉटी है वो एडजेक्टिव्स है. द मंगूज, सॉरी, द मैंगोज आर टेस्टी, यानी कि आम बहुत ही टेस्टी है. तो उसमें टेस्टी है वो क्या है?
एडजेक्टिव्स है। यहाँ हमने पढ़ा ना कि विशेषण हमें क्या बताएगा, स्मेल बताएगा, टेस्ट बताएगा। द ग्रेप्स आर श्योर, देखो द्राक्ष से वो खट्टी है तो श्योर। इन अबाउ सेंटेंस फुलिश, नॉटी, टेस्टी एंड सोर आर एडजेक्टिव्स, यानी कि जिसमें यहाँ मैंने बताया ये सारे, इसमें फुलिश, इसमें नोटी, इसमें टेस्टी और इसमें सोर, ये सारे विशेषण है, उसकी विशेषता दिखाता है। तो फुलिश गर्ल, तो नोटी गर्ल्स, तो टेस्टी मैंगोस, द श्योर ग्रेप्स। तो देखो फुलिश लड़की कैसी कैसी है, तो फुलिश है। लड़कियाँ कैसी है, तो शरारती है। आम कैसा है, तो टेस्टी है। और श्योर ग्रेप्स यानी कि द्राक्ष वो खट्टी है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 8 विशेषण। बहुत ही इजी चैप्टर है, हमें पता है कि वो नाम की विशेषता दिखाता है, कैसे कैसे होता है उसको। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज, क्या है एक्सरसाइज। फर्स्ट ए, पिक आउट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड अगेंस्ट देम, ऑल्सो राइट द नाउन दे डिस्क्राइब, वन हैज बीन डन फॉर यू। यानी कि इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में हमें एडजेक्टिव्स बताने हैं और नाम बताने हैं, नाउन्स बताने हैं। एक देखो ऑलरेडी बताया है, द कुल्ली पिकअप अ हैवी बॉक्स, तो बॉक्स है वो एक नाम है, लेकिन बॉक्स की एडजेक्टिव्स क्या है, हैवी, कैसा बक्सा, ऐसा कैसा बॉक्स, तो वो भारी भरकम। फिर देखो मिस्टर शर्मा इज अ रूड मैन, तो यहाँ एडजेक्टिव्स क्या आएगा, रूड, और नाउन्स क्या आएगा, नाम क्या है, मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा कैसे आदमी थे, रूड। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कॉफी, तो एडजेक्टिव्स आएगा स्ट्रॉन्ग और कॉफी है वो नाउन। दिस इज अ बिग बलून, बलून है वो नाउन आएगा यहाँ, कॉमन नाउन, और बिग उसकी विशेषता है इसलिए विशेषण। वी लाइक हॉट पिज्जा, पिज्जा है वो नाम है, और हॉट पिज्जा कैसे थे, गर्म, हॉट। दिस इज अ ब्लैक कैट, कैट है वो नाउन है, और कैसी बिल्ली, तो ब्लैक। देखो एडजेक्टिव्स कलर को भी इंडिकेट करता है। द वॉल इज रेड, तो वॉल है वो नाउन है, और रेड कलर भी बताएगा, विशेषता में कलर भी हो सकता है, तो यहाँ रेड। राहुल इज अ फैट बॉय, जैसे हमने सोनू में देखा था, तो ऑफ कोर्स राहुल इज अ नाउन और फैट इज एडजेक्टिव्स। अब देखते हैं एक्सरसाइज बी, रीड ईच सेंटेंस एंड राइट द करेक्ट एडजेक्टिव्स। यहाँ हमें देखो ये जो सारी ब्लैंक्स है विद द अबाव हेल्प बॉक्स हमें फिल करनी है। I laughed a lot yesterday. तो इसमें क्या आएगा, देखो यहाँ क्या करना है, I laughed a lot yesterday. The clever clown did a many. तो इसमें क्या आएगा, many के बाद आएगा good tricks. I got a many gift for my birthday from my granny. Granny का मीनिंग होता है दादी। She is a very kind, यानी कि मेरी दादी बहुत ही दयावान। My shoes were torn, torn यानी कि फट चुका। So I bought a new pair of shoes. The rabbit fell into the water. All the animals laughed at the foolish rabbit, यानी कि खरगोश कैसा था, मूर्ख। I cannot lift this box. It is a heavy box. मैं इसको पकड़ नहीं सकता क्योंकि ये बक्सा बहुत ही भारी है। Everybody buys a food from the hotel. It is a good hotel. The people praised the king. The people praised the king. The brave king won the battle. The sun is not out today. It is hiding behind the dark clouds. यानी कि जो सूर्य है वो बाहर नहीं आया था. Not out today. It is यानी कि वो छिपा हुआ था बादलों के पीछे. अब देखो read and match. हमें यहाँ उसको match करना है. A lion has
क्या आएगा? लायन में क्या होता है? लॉन्ग नोज नहीं होता, सॉफ्ट फेदर्स भी नहीं होते, शॉर्ट टेल, बिग ईयर्स, हार्ड शेल और थिक मैन। तो यहाँ आएगा शॉर्ट तो देखो यहाँ का क्या आएगा, अ लायन हैज अ क्या आएगा, हार्ड शेल नहीं आएगा, शॉर्ट टेल भी नहीं होती, लॉन्ग नोज, द एलिफेंट हैज अ सॉरी देखो लायन में है ना ये भी आ सकता है थिक मैन, द एन एलिफेंट हैज अ शॉर्ट टेल, a lion has a thick mane, an elephant has a short tail, a rhinoceros has a long nose, a bird has a soft feathers, a rabbit has a big ears, यानी कि खरगोश के कान बहुत ही बड़े होते हैं, a tortoise has a hard shell, यानी कि उसकी शेल है इस tortoise की बहुत ही हार्ड है। Write the opposite adjectives to complete a sentence. अब हमें इसके जो opposite words लिखने हैं, यानी कि देखो it is a hot day today. तो यहाँ hot क्या क्या आएगा, cold. Yesterday was a cold day. This is a long rope. I have another short rope. Long का करना short, opposite. I have a younger sister and elder brother. Younger का होगा elder. My friend is a polite boy. Polite यानी कि बहुत ही, और polite का होगा impolite. And your friend is impolite girl. This is an old man. That is a young man. Old यानी कि बूढ़ा और young यानी कि जवान. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 एडजेक्टिव्स। यहाँ ये चैप्टर ग्रामर का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशंस में हम नया पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।